दूसरा ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन। आपने देखा होगा कि उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच चटक सकता है, क्योंकि कांच का अंदरूनी भाग ऊष्मा के कारण फैल जाता है जबकि बाहर का नहीं। पर यह उच्च क्वालिटी कांच में नहीं होता, क्यों? चर्चा करें। बिजली व टेलीफोन के तारों को ढीला क्यों बांधा जाता है? कंक्रीट से बनी सड़कों में ब्लॉक्स के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? ऐसे अन्य उदाहरणों के बारे में चर्चा करें। सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है और पदार्थ से ऊष्मा लेने पर पदार्थ का आयतन कम हो जाता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, पहला रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि, यानी कि अल्फा बराबर डेल एल बटे एल गुणित डेल टी, अर्थात डेल एल बराबर अल्फा कोष्टक में एल गुणित डेल टी। लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 0.00012 प्रति डिग्री सेल्सियस है, अर्थात लोहे की 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई 0.00012 मीटर से बढ़ जाती है। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल लीनियर एक्सपांशन। वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप वृद्धि। बीटा बराबर डेल ए बटे ए गुणित डेल टी, अर्थात डेल ए बराबर बीटा गुणित ए गुणित डेल टी, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। बीटा का मात्रक भी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दुगुना होता है, यानी कि बीटा बराबर 2 गुणित अल्फा। तीसरा आयतन प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि, यानी कि गामा बराबर डेल वी बटे वी गुणित डेल टी, यानी कि डेल वी बराबर गामा गुणित वी गुणित डेल टी, अर्थात आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। गामा का मात्रक भी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है, अर्थात गामा बराबर 3 गुणित अल्फा।